आज कूर्मावतार का दिन है। भगवान के प्रमुख 10 अवतारों में कूर्मावतार भी हैं। मत्स्यावतार, कूर्मावतार, शुक्रावतार, नृसिंहावतार, वामनावतार, परशुरामावतार, रामावतार, कृष्णावतार, ये सब 10 अवतार प्रमुख हैं। कल्कि अवतार, तो इसमें कूर्मावतार भी है। प्रह्लाद को तो आप लोग जानते ही हैं, प्रह्लाद के लड़के थे विरोचन राजा, उनके लड़के थे बलि राजा, जिनके लिए भगवान का वामनावतार हुआ था। तो वो बलि राक्षस था, वो इतना बलवान हो गया कि उसने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया और इंद्र को भी परास्त कर दिया। सब देवता भाग गए स्वर्ग छोड़ के और भगवान के पास गए। भगवान ने कहा, भाई देखो इस समय राक्षस बहुत बलवान है, तुमसे संधि कर लो। जब दुश्मन बलवान हो तो लड़ना बुद्धिमानी नहीं है, संधि कर लो। तो गए देवता लोग, इंद्र वगैरह, बलि के पास और संधि की बात की और संधि हो गई। और ये प्लान बनाया भगवान ने कि देवता और राक्षस सब मिल करके समुद्र मंथन करो तो उसमें अमृत निकलेगा, तो तुम लोग अमृत पी लेना तो बहुत बलवान हो जाओगे, मरोगे नहीं, तो फिर राक्षसों पर तुम्हारा अधिकार हो जाएगा, तुम जीत जाओगे। तो उसमें यह हुआ कि सुमेर गुर पहाड़ को लाओ, उसको खंभा बनाया जाए समुद्र में, और वासुकी नाग को रस्सी बनाया जाए। तो वासुकी के पास भी गए और कहा, भाई तुमको भी अमृत का हिस्सा देंगे। लेकिन जब सुमेर गुरु पहाड़ को लेके चले देवता और राक्षस, तो रास्ते में वो गिर गया पहाड़, वो संभाल नहीं सके सारे राक्षस सारे देवता, तो कई तो मर गए, देवता भी राक्षस भी, और निराश हो गए कि अब तो ये समुद्र तक जा ही नहीं सकेगा, तो मंथन कैसे होगा। तो भगवान प्रकट हुए, उन्होंने कहा, अच्छा खैर मैं पहुंचा देता हूं। तो भगवान ने बाएं हाथ की उंगली से उठाया सुमेर गुर पहाड़ को और अपने विमान में गरुड़ के ऊपर रख लिया और ले गए समुद्र में। लेकिन समुद्र में रुके कैसे पहाड़, वो नीचे धंसता गया, इतना है भी। तो फिर समस्या आई कि मंथन कैसे होगा, ये पहाड़ तो रुक ही नहीं रहा, डूब रहा है। तो भगवान कछुआ बन गए, 400 कोस लंबा कछुआ माने कूर्म, और नीचे बैठ गए और उसी के ऊपर पहाड़ रख दिया, कछुए की पीठ के ऊपर। तो
अब पहाड़ नीचे नहीं जाना है, अब रुक गया, अब मथने लगे। लेकिन वासुकी के फुफकार से फिर सब घबरा गए, देवता भी राक्षस भी, बड़ा जहर उसमें। तो भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, मैं मथता हूं स्वयं। तो भगवान एक रूप में कछुआ बने थे, एक रूप और बनाया और स्वयं मथने लगे। तो सबसे पहले हालाहल निकला विष, उसके धुएं से फिर सब गिर गए देवता राक्षस, इतना भयानक विष था वो। तो कह रहा क्या करें, समुद्र मथना बंद हो गया। तो सब देवता गए शंकर जी के पास और कहा महाराज इस विष को आप लीजिए। तो शंकर जी गए, उन्होंने विष को धारण कर लिया कंठ में, फिर मथने लगे, फिर कामधेनु निकली, कौस्तुभ मणि निकला, उच्च श्रवा घोड़ा निकला, ऐरावत हाथी निकला और लक्ष्मी निकली। तो लक्ष्मी ने देखा हम किसको पति बनावे, सब ऋषि मुनि योगी और ब्रह्मादिक थे वहां, तो उन्होंने भगवान के गले में माला डाल दी। सब के आखिर में धन्वंतरी निकले, वो अमृत का कलश लेकर के, इसी के लिए तो समुद्र मथा गया था जो सबसे आखिर में निकला। अब छीना झपटी शुरू हुई, हम लेंगे अमृत, हम पिएंगे, राक्षसों ने छीन लिया। अब वो एक दूसरे से लड़ाई हो रही है। भगवान ने कहा अब सब गड़बड़ हो गया, अब क्या करें। तो भगवान एक लड़की बन गए, उसको मोहिनी अवतार कहते हैं। तो तीन रूप भगवान ने धारण किया, कूर्मा अवतार भी हुआ वही, और मथने में भी अवतार लिया और फिर मोहिनी अवतार भी लिया। अब वो भगवान की सुंदरता देख के सब राक्षस हो चाहे देवता हो सब दीवाने हो गए, भूल गए अमृत अमृत पीना। तो मोहिनी रूप भगवान ने कहा कि भाई देखो मैं बांट सकता हूं, लेकिन हम जैसा बांटेंगे कोई एतराज न करे। तो दोनों पार्टी मान गई, कहे दोनों पार्टी बैठ जाओ, देवता लोग भी सब बैठ गए, राक्षस भी। तो भगवान ने लिया अमृत का घड़ा और देवताओं को पिलाने लगे। तो और राक्षस लोग तो बस भगवान की सुंदरता ही देख रहे हैं बस। तो एक राक्षस चुपके से देवता का रूप धारण करके घुस गया अंदर और उसने पी लिया। और भगवान ने देख लिया, अरे ये आ गया राक्षस, चक्र से सिर काट दिया। तो दो हो गया, अब उसने तो अमृत पी लिया था तो मर तो सकता नहीं था, वो राहु केतु हो गया। तो अब देवता लोग बहुत बलवान हो गए। तो भगवान ने तो जो मोहिनी रूप धारण किया था उधर दौड़े राक्षस और भगवान गायब हो गए। और देवता लोग तो अमृत पी चुके थे। अब इसके बाद युद्ध हुआ तो देवता लोग तो बलवान हो ही गए थे, राक्षसों को परास्त कर दिया, इंद्र को स्वर्ग लोक मिल गया फिर से। तो वो कूर्मा अवतार जो है वो कछुआ है, 400 कोस लंबा, इतना बड़ा कछुआ का रूप धारण किया था भगवान ने, सुमेर गुरु पहाड़ को अपने पीठ पर रखा, तब मथा गया, तब ये सब रत्न निकले समुद्र से। तो ये है कूर्मा अवतार की कथा।
बोलिए कूर्म भगवान की जय। और कल है बुद्धावतार और परसों है नारदावतार, ये तीनों भगवान के अवतार हैं और एक साथ एक एक दिन बाद हुए हैं तीनों अवतार। बुद्ध तो अहिंसा के थे, नारद जी भक्ति के आचार्य हैं, वो तो हम लोगों के आचार्य हैं नारद जी।